आज हम बनाएंगे ये कटहल की सब्जी जो गर्मियों के मौसम में मिलती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फूड फ्रॉम माय किचन में। तो ये कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने इतना कटहल लिया है, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़े भी टुकड़े कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ सामग्री लूँगी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने ये प्याज लिया है, ये टमाटर लिया है, ये थोड़ा गरम मसाला, और इसमें मैंने सूखे मसाले पाउडर में थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, और कलर के लिए थोड़ी काश्मीरी लाल मिर्च, जीरा गोल की धनिया पाउडर, और ये दो तेज पत्ता मैंने लिया है, थोड़ी सी मिर्ची काट के, मैंने दो मिर्ची काट के और इस तरह से बीच से उसे कट किया, और थोड़ी धनिया पत्ता ले लिया। अब मैं कटहल को बॉयल करूँगी। कटहल को हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस वो सॉफ्ट हो जाए, तो मैं इसे एक सीटी आने तक ही बॉयल करूँगी। तो मैं ऐसे टुकड़ों को इसमें डाल लूँगी और फिर थोड़ा पानी डालूँगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि कटहल के अंदर नमक आ जाए। मैं थोड़ी हल्दी डालूँगी, उसे मिक्स कर लूँगी। हल्दी डालने से कटहल का कलर बहुत ही सुंदर आता है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐसे डाल दूँगी, आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ना वो कुकर की सीटी से पानी बाहर ना आए। फिर मैं इसे कवर करके और इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरा कटहल बॉयल हो रहा है हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो ये मैंने तेल ले लिया है, आप जिस भी तेल से खाना बनाते हो आप वो तेल ले लीजिए। तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, फिर मैं इसमें प्याज के लच्छों को डालूँगी। मैंने इसमें लच्छे प्याज काटे हैं, आप उसे फाइन चॉप्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें प्याज ले लिया है, दो मीडियम आकार के प्याज को मैंने इसे कट किया है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी ताकि मेरे प्याज जल्दी से गल जाए। ये एक ट्रिक है, प्याज में अगर आप नमक डालते हो ना तो बहुत जल्दी पक जाता है, उस टाइम नहीं लेता है पकने में। तो मैं ऐसे इसे चला के एक बार कवर कर लूँगी, ये मैं ढक के इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद ये मेरा प्याज कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं इसे ऐसे चला लूँगी और अभी मैं इसमें थोड़ा टमाटर, जितना मैंने दिखाया था उतना मैं टमाटर डाल दूँगी इसी टाइम पे। ये मैंने टमाटर डाल दिया है, मैं इसे चला लूँगी और इसमें मैं ऐसे चला कर फिर मैं इसमें देखिए सूखे मसाले सारे डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर, जीरा गोल की धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर वो डाला, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसमें मिक्स करके ना डाल दिया था। फिर मैं ये थोड़ा नमक डालूँगी ताकि मेरे टमाटर अच्छे से गले, ताकि वो ग्रेवी में ऐसे ना मिक्स हो जाए एकदम, इसलिए मैंने नमक लिया है। तो मेरा कटहल में भी नमक था और इस प्याज में भी डाला, और फिर टमाटर के डालने के बाद भी डाला। तो मैं उस हिसाब से ही नमक डालूंगी कि मेरा सब्जी में नमक ज़्यादा ना हो जाए। मैं अपने कटहल को ऐसे अभी एक सीटी मैंने लगाया ना, तो मैं इसे चेक करूंगी ताकि ये सब्जी में भी थोड़ा पकता है, तो हम इसे बस सेमी बॉयल होने तक ही पकाएंगे। ये देखिए मैंने कवर जो किया था उसे ऐसे हटा के देख रही हूँ, तो मेरा जो टमाटर एकदम गल गया है। कलछी की सहायता से मैं उसे ऐसे थोड़ा सा ना कर लूँगी ताकि टमाटर जो है वो एकदम मिक्स हो जाए। ये देखिए तेल भी छोड़ रहा है, ये तेल छोड़ रहा है ना, यानी कि मेरे मसाले पके हैं। इसी स्टेज पे हम ये कटहल डालकर और मसालों के साथ मिलाकर थोड़ी देर भूनेंगे, इससे हमारा टेस्ट सब्जी का जो है ना बहुत अच्छा आता है। ये जो सब्जी है एकदम चिकन मटन वाला टेस्ट देता है, आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। मैं इसमें पानी डालूंगी, मैंने पानी को गर्म किया है, आप भी गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आता है। तो ये मैं डाल रही हूँ, आपको पतली ग्रेवी चाहिए आप पानी थोड़ा ज़्यादा रखिए, अगर ग्रेवी कम चाहिए तो कम पानी डालिए। तो ये मैंने मिर्ची जो दिखाया था वो डाल दिया और गर्म मसाला डाल दिया। अभी मैं इसे एक बार चला दूँगी ऐसे, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें मैं अभी ही तेज़पत्ता डाल दूँगी। मैं इतने तेज़पत्ता तेल में नहीं डाला क्योंकि कभी कभी होता है ना तेज़पत्ता हमारे टूट सकते हैं, इसके कारण ही मैंने अभी लास्ट में डाला है। इसे मैं मिक्स करके और
और इसमें जब मेरा ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो मैं इसमें धनिया पत्ता ऐसे डाल दूँगी। मेरा सब्जी अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें। ये मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि हमारी सब्जी कैसी अच्छी बनी है, एकदम चिकन मटन वाले लुक जैसी। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।